गोंडवाना भूभाग के निवासियों के लिए तोप के सामने खड़े होकर अपने आप को उड़ा लिया। ऐसे हमारे राजा महाराजाओं के प्रति हमारा गर्व होना चाहिए, हमको साहस होनी चाहिए और उनके लिए ऐसी तालियां मात्र, ऐसी तालियां होनी चाहिए आपके अंदर, आपके खून में बोलबाल होना चाहिए कि अभी आके बोलो साला शिवराज सिंह चौहान चाहे यहाँ का विधायक हक साला कांग्रेस का हक साला बीजेपी का, ये आपको बोलना आना चाहिए, तब तो उनका खून आपके अंदर में दौड़ना चाहिए। साथियों यहाँ पे बैठ के मजा करने के लिए नहीं है, ये संगीत इसीलिए सुनाया जाता है, ये नाच इसीलिए सुनाया जाता है और यहाँ से वक्तव्य इसीलिए दिए जाते हैं कि आपका ठंडा खून उबाल मार जाए, आपका ठंडा खून उबाल मार जाए। और आप इसी बात में मैं एक शेर और सुना देता हूँ आपको, अब तो हिमालय सी पीर पिघलनी चाहिए, अब तो हिमालय की पीर पिघलनी चाहिए, फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। ऐ शिवराज मामा, अब तो तेरी सरकार रहे ना रहे लेकिन गोंडवाना की सरकार बना के रहेंगे। तो मैं बोलूंगा बना के रहेंगे, आप बोलेंगे गोंडवाना, तब तो समझ में आए कि आप गोंडवाना बना पाओगे। पता चला मैं बोलूंगा कुछ और आप सुनेंगे कुछ और, सही की नहीं साथी, बना के रहेंगे, आवाज ही नहीं आ रही, ऐसे में गोंडवाना थोड़ी ना बनेगी, बूथ तक जाओगे तब गोंडवाना बनेगा। जो यूथ है वो बूथ तक जाना चाहिए और जो हमारी माताएं हैं जिस तरह से आज यहाँ पे निकल के आई हैं, ये माताएं एक एक माताओं को समझा देंगी तो हमारा जो संकल्प है बना के रहेंगे गोंडवाना, वो संकल्प हमारा पूरा हो जाएगा, सही कि नहीं। यदि आप लोग साथ में हैं तो आवाज के साथ में पता चलेगा, आपकी तालियों के साथ पता चलेगा कि सच बोल रहे हैं आप कि 2023 में यहाँ की जो है आप सरकार बदल देंगे, सही ना साथियों, बना के रहेंगे। तो नहीं बोल रही है कांग्रेस नहीं जाना है क्या? अच्छा मैं बोलूंगा बना के रहेंगे तो आप बोल देना कांग्रेस में जाना, ठीक है, बना के रहेंगे कांग्रेस बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो लेकिन जोश से बोलो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं होना चाहिए, दिल में अंदर कुछ और मन में कुछ और, दिल में अंदर कुछ और मन में कुछ और घर में गए तो कुछ और बाहर निकले तो कुछ और, ऐसा है क्या? नहीं है ना, इसीलिए ना आपके दिल में रहे कुछ और ना हमारे मन में रहे कुछ और ना आपके दिल में रहे कुछ और ना हमारे मन में रहे कुछ और, इसीलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने दिया समग्र विकास क्रांति आंदोलन का एक छोर कि समग्र विकास क्रांति आंदोलन करो, राजनीतिक आंदोलन बस नहीं समग्र विकास क्रांति आंदोलन। अभी दादा मरावी हमारे बोल रहे थे गोठुल, हमारी जो शिक्षा पे बात बोलूंगा, अभी मैंने बताया बिरसा मुंडा, अब दूसरी बात करूंगा मैं बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो समाज किसके समान है, जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो समाज किसके समान है, मुर्दे के समान है। तो क्या आप मुर्दे हो? यदि मुर्दे नहीं तो ताली बजा के बताओ जरा, बाकी सब लोग मुर्दे हैं क्या? अरे जोरदार ताली बजाना चाहिए, हाँ जाग रहे हो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़े, ठीक है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो चलिए हमारे गांव की शिक्षा हम पता कर लेते हैं, बेटा आज आज अरे मेरे लाल, हरे लाल पीले नीले यहाँ पे खड़े हो जाए, कौन सी क्लास में भैया? दूसरी क्लास में। मास्टर को का नाम है? तुम्हारा नाम? बस कृष्णा, और मास्टर ने नहीं सीखा हुआ देखो, गिनती बोल के दिखाओ, सौ सौ चलो। पांचवी क्लास में कौन है?
पांचवी कौन सी? सातवीं। आ जाओ। अरे जोरदार ताली इनके लिए, जोरदार। हाँ, क्या नाम है भैया? बलराम। आगे कौन थे? अरे वो कृष्ण के पिताजी का नाम था। हाँ, बासु, बलराम, राम, पूरा बताए। बता बेटा बता। बताओ। चलो, ये सातवीं। आठवीं में कौन है भैया? आठवीं में कौन है? हाँ हाँ, तुम खड़ी हो, खड़े हो। बता दे। हाँ, जल्दी बताओ। अरे बताओ, बता जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखिए, ये हंसी की बात नहीं है, ये सच्चाई बोल रही है। चलो चले जाओ बेटा, ये हंसी की बात नहीं है। यदि हंसना है तो जोरों से हंस लो, जरा जोरों से हंसो। अरे हमारे राजा रावण रास्ते थे तो हम नहीं हंस सकते क्या? तो दादा हंसो जोर से, क्योंकि ऐसे ऐसे लुटेरे बैठे हैं जो आपके बच्चों का भविष्य खा रहे हैं, जो अपना नाम अच्छे से नहीं बोल सकता, जो दूसरी क्लास सातवीं क्लास पढ़ रहा है वो गिनती अच्छे से नहीं बोल सकता, तो आपके बच्चों को क्या शिक्षा मिल गई? आप कैसे बोल सकते हैं कि एक कलेक्टर बनेगा? आप कैसे बोल सकते हैं कि ये मास्टर बनेगा? लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि ये मजदूर जरूर बनेगा और अपने गांव से पलायन करके शहर की बिल्डिंग जरूर बनाएगा। ताली नहीं बजना चाहिए इस बात में, हर बात में तुम ताली बजाते हो। अभी कोरोना आया, माननीय प्रधानमंत्री ने बोले कि थाली बजाओ, तो सब थाली बजाने लगे। फिर बोले ताली बजाओ, सब ताली बजाने लगे। फिर बोले मोमबत्ती जलाओ, सब मोमबत्ती जलाने लगे। फिर इसके बाद बोले कि अपने परिवार के अपने पति की लाश तक मत उठाना, क्योंकि इसको कोरोना हो गया। तो काहे का कोरोना? आ जाओ आदिवासियों के बीच में, हम आपको जंगल में लेके चलेंगे, शुद्ध हवा खिलाएंगे और भगेगा दूर कोरोना। लेकिन आपके अंदर में वो शक्ति नहीं, क्योंकि उस ज्योति पुंज बिरसा मुंडा ने एक बात बोली थी कि मेरे समाज का सबसे बड़ा प्रश्न जो है कि मेरा समाज डरता है। कैसा है मेरा समाज? अरे बोलो, आऊं क्या बीच में? बहुत शक्ति रखता हूं, इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने प्रवक्ता बनाया है। साले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मेरे सामने डिबेट कर ले तो उनको नानी याद आ जाएगी कि किसी बाप से पाला पड़ा है, और वो भी कैसे बाप से पाला पड़ा, गौंड के बच्चे से पाला पड़ा है। अब तो तेरे को भगना पड़ेगा, क्योंकि गौंडवाना शासन हमारा था। ये हम नहीं बोलते, ये हमारे इतिहासकार, हमारे क्रांतिकारी, हमारे राजा महाराजा बोलते हैं, और उनके द्वारा बनाए गए एक महल किले अटारी बोलते हैं। दादा हमारे मरकाम मराबी दादा गाते हैं, कहां निकल गए रे मेरे गोंडवाना के राजा। लेकिन उनकी संतान मजदूर बनी है और वो मजबूर बनी है। क्या बनी है? मजदूर बनी है और मजबूर बनी है, क्योंकि उनको चाहिए फ्री का राशन, अब आने वाली है फ्री की बिजली। क्या आने वाली है? फ्री की बिजली। इसी तरह से तो वोट लिए जाते ना भैया। हम तो हमारे किसान भाइयों का, अभी देखना कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जी ने बोला हम जो है भारत देश के हर किसान के हर व्यक्ति के खाते में जो है 72,000 रुपए डालेंगे साल पर। कितने? 72,000 रुपए साल पर। अरे आप ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन का अधिकार दे देंगे, और उनको जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 25% का जो मालिकाना हक मांग रही है वो दे देंगे, तो हमारा हरेक आदिवासी भाई जो है करोड़पति हो जाएगा। ऐसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट देना चाहिए, ना कि उन चोर लुटेरों को।
जिन्होंने हमारे देश से जो है हमारे 20 से 45 साल तक शासन किया और हमको जो है भीख मांगने में मजबूर कर दिया। वो शासक जो दादा मरकाम बोलते थे, मैं राजा रानी के पास बैठा हूँ, राजा रानी कब बनो, कौन भटा मिर्ची लगाता है बताओ, जरा हाथ खड़ा करके बताओ, बताओ, आऊं क्या फिर से बीच में कूदूं, अरे कोई तो हाथ खड़ा करो, आप दादा मरकाम के मंच पे बैठे हो, कितनी महिलाओं ने, दादा ने एक आंदोलन दिया था, कौन सा दिया दादा, महिला जागो, गोंडवाना बैंक खोलो, महिला जागो, भट्टी तोड़ो, गोंडवाना बैंक खोलो, कितने लोगों ने खोला, हाथ खड़ा करो जरा, तो कहीं यहाँ मस्ती करने बैठे हम लोग, रात रात भर जाग के यहाँ पे इतना बड़ा टेंट लगा के आप लोगों के बीच में अपने वक्तव्य रख रहे हैं, किस लिए रख रहे हैं, कि आप एक बात को पकड़ के अपना इतिहास बदल दो। आपको पता है दादा हमारे बीच में बैठे अमान सिंह फोरते जी, एक धुर्वे संतोष धुर्वे को जो है बेगुनाह था, उसको पुलिस प्रशासन ने क्या कर दिया, पुलिस थाने में अंदर कर दिया। ऐसे ही हमारे जो आदिवासी क्षेत्र से हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याचार हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, हमारे ऊपर सजा हो गई, हमको कौन बचाने वाला है बताइए, है क्या कोई बचाने वाला, 12 धाराएं लगी है, कल हमको पुलिस उठा के ले जाएगी, कौन बचाएगा बताओ जरा। दादा यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि ये सब सुनने वाले फंसेंगे तो कोई नहीं बचाएगा, सच है ना, अरे आपके अंदर उस गोंडवाना शासक का खून है जिसने अपनी जान जो है तोप के सामने में खड़े होकर उसको उड़ा दिया गया, और उसी के वंशज आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपके मुख से नहीं निकलता कि चिंता मत करो हम बचाएंगे, ये आवाज आनी चाहिए थी। वो दुख होता है, वो तकलीफ होता है कि हम लोग रात रात भर जाग रहे हैं, हमें नहीं पता हमारा भविष्य क्या होगा। दादा के 62 साल गुजर गए आपके बीच में घूमते घूमते संघर्ष करते करते, उनके पास कमाई का कोई सोर्स नहीं है, हम सब किसान हैं, चाहते तो हम भी कलेक्टर मिनिस्टर बन जाते, लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे हैं। जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य क्या जाएगा, हमको चिंता आपके बच्चों के भविष्य की है, आपकी नहीं है, आपने तो अपना जीवन जी लिया, लेकिन आपके पास में जो एक एकड़ जमीन है और आपके 4 बच्चे हैं, तो वो उस एक एकड़ जमीन में जब 4 टुकड़ों में बांटेंगे तो उनके पास क्या आएगा, कैसे जिएंगे, ये चिंता का विषय है कि नहीं। अभी आपने उस विधायक से बोला क्या कि हमारे बच्चे आने वाले 20 साल बाद कैसे जिएंगे, 10 साल बाद कैसे जिएंगे, पूछते हैं कभी आप, नहीं। अभी सब देखो बड़ी गहरी नींद पे सो रहे हैं, कुंभकर्ण है, ये कुंभकर्ण की नींद से जागना पड़ेगा क्योंकि ये जागरण मंच है, ये जागरण मंच है, दादा हीरा सिंह मरकाम का मंच है, और हीरा सिंह मरकाम का मंच जो है अधूरा नहीं रहता है। जिस तरह से दादा हीरा सिंह मरकाम ने घूम घूम कर पूरे भारत देश में एक जोत जलाई है, एक अलग जगाई, एक समग्र विकास क्रांति जलाई है, उस दादा हीरा सिंह मरकाम की कसम सौगंध कि हम 2023 में, बोलिए आप लोग, हम 2023 में, हम बोलिए, हम 2023 में बना के रहेंगे गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना। अब इसके लिए आपको काम करना होगा, हम चेहरा भी दे देंगे, हम वो मुस्कान भी दे देंगे, और आपसे सौगंध भी खा के जाएंगे कि जिस दिन आपने अपना विधायक बनाया तो आपके चेहरे में मुस्कान आएगी। हम विधानसभा में वो प्रश्न उठाएंगे, हमारा सबसे पहला प्रश्न रहेगा, मैंने बोला था, मैं पूछना चाहूंगा, जब भारत देश आजाद हुआ था, क्या आजाद हुआ था, भारत देश है ना, तो हमारी जनसंख्या कितनी थी, 85%, कितनी थी, 85%। जब भारत देश आजाद हुआ तो हमारी जनसंख्या कितनी हो गई, 8.5%, चिंतन का विषय है, कितनी हो गई, 8.5%। तो बाकी का हमारा भाई गया कहां, ये प्रश्न उठेगा। दूसरा प्रश्न उठेगा, आजादी के पहले
हमारे पास में 75% जमीन थी, इस भूभाग की कितने परसेंट जमीन थी? 75% जमीन। आजादी के बाद हमारे पास में मात्र कितने परसेंट जमीन बची है? 15 से 20% जमीन। तो बाकी जमीन गई कहां? क्या धरती निकल गई? क्या आसमान निकल गया? कि शिवराज खा गया? कि नरेंद्र मोदी खा गया? ये पूछेंगे, सही है ना? अब तीसरा प्रश्न पूछेंगे, जो ग्रामीण अंचल पे जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या यहाँ से हमारे कलेक्टर निकलेंगे? क्या यहाँ से हमारे आईपीएस निकलेंगे? कोई टीआई निकलेगा? कोई डॉक्टर बनेगा क्या? और नहीं बनेगा तो गांव में क्या शिक्षा दे रहे हो कि भिक्षा दे रहे हो? ये प्रश्न उठेगा साथ में। हम मध्यान्ह भोजन खाने नहीं जाते हैं कि मध्यान्ह भोजन खाने जाते? कितने बच्चे मध्यान्ह भोजन खाने जाते और कितने उनके माता पिता अपने बच्चों को मध्यान्ह भोजन खिलाने भेजते हैं? हम मध्यान्ह भोजन खाने नहीं जाते, हम अपने भविष्य की गणना करने जाते हैं, हम अपने भविष्य को रचने जाते हैं। इसीलिए हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हमको जो है समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और समान रोजगार, ये तीन